तो आप कैसे अपनी जिंदगी में दोबारा वो बैलेंस ला सकते हो, कैसे अपनी जिंदगी को दोबारा से खूबसूरत बना सकते हो, वो हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। सो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। चार ऐसे पॉइंट्स, चार ऐसे सीक्रेट्स जो एक्चुअल में आपकी जिंदगी में दोबारा से वो बैलेंस ले आएंगे, आपकी जिंदगी में वो रिस्टोर कर देंगे बैलेंस। सो उसे जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। नंबर वन थिंग इज स्पेंड क्वालिटी टाइम ऑन व्हाट यू डू इफ यू हैव मनी। सी, हम पैसे कमाने की भागदौड़ में इतने बिजी हो जाते हैं कि जो चीज़ें हमें पैसे कमाने के बाद चाहिए होती हैं, हम सोचते हैं एक बार मेरे पास पैसा आ गया फिर मैं ये सारे काम करूंगा। मत सोचो, हमें नहीं पता हमारी जिंदगी कितनी बड़ी है, हमें एक्चुअल में नहीं पता कि हमारा कल क्या होगा। सो जो आज है दैट इज लाइफ। ये हर सांस के साथ जिंदगी जा रही है, जिंदगी आ रही है, ये हर सांस के साथ ही आपकी जिंदगी जुड़ी हुई है। तो एवरी ब्रेथ इज लाइफ, एवरी मोमेंट इज द लाइफ। सो वॉट यू नीड टू डू, यू नीड टू फोकस ऑन द थिंग्स जो आप पैसे कमाने के बाद करते हैं। जैसे कि अगर आपके पास आज कोई ऐसा पार्टनर है जिसे आप बहुत प्यार करते हो और आप उन्हें अभी तक टाइम नहीं दे रहे थे, चाहे आपके वो हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, द पर्सन यू आर डेटिंग राइट नाउ, आपकी फैमिली में हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके माँ बाप हो, आप सोचोगे एक बार मैं पैसे कमा लूँ फिर बहुत टाइम स्पेंड करूंगा इन लोगों के साथ। ऐसा मत सोचना, एक क्वालिटी टाइम देना है उन्हें, बैलेंस बना के रखना है। सो आप उन लोगों को टाइम देना शुरू करो जिन लोगों को आज आप प्यार करते हो, जो लोग आपको प्यार करते हैं। इसके अलावा आप क्या कीजिए, आप लेट से आपको कुछ पसंद है, आपका पैशन है, आपको गिटार बजाना पसंद है, तो आप गिटार बजाने के लिए टाइम निकालिए, आपको पसंद है वो, यू हैव ओनली वन लाइफ, वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। अगर आपको घूमना पसंद है तो घूमने के लिए टाइम निकालो। वो चीजें जो आपको एक्चुअल में करना पसंद है, जो चीज आप पैसा कमाने के बाद करते या आपके पास पैसे होते तब करते, वो अभी से करना शुरू करो। चाहे थोड़ा टाइम निकालो बट टाइम जरूर निकालो। ऑल राइट, सो हेयर इज द सेकेंड सीक्रेट। द सेकेंड पॉइंट इज स्पेंड टाइम अलोन इन नेचर। जिंदगी में हम इतनी भागदौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम स्ट्रेस में आ जाते हैं कभी कभी। हमारे ऊपर बर्डन इतना होता है कि हम एक्चुअल में स्ट्रेस लेने लग जाते हैं। इस माइंड को भी रिलीफ चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होती है हमारे माइंड के साथ कि हम इतने अटेंशन सीकर्स बन चुके हैं। एक तो हमें अटेंशन चाहिए होती है, ऊपर से हमारा अटेंशन स्पैन तो कुछ है नहीं, हमें घिरे रहना पसंद है फेसबुक के साथ, इंस्टाग्राम के साथ, व्हाट्सएप के साथ। किसका मैसेज आया, हर 5-10 मिनट में आप चेक करते हो व्हाट्सएप पे क्या आया। आप इतने ज़्यादा एंगेज हो चुके हो कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ करना है, खाली तो रह ही नहीं सकते, खाली रहेंगे सर में दर्द हो जाएगा। बट नहीं, अगर आपको बैलेंस लेकर आना है तो अकेले टाइम रहना शुरू करो, अकेले, अलोन। और अगर आप नेचर के साथ रहते हो, आप किसी पार्क में जा सकते हो, किसी ऐसी जगह जा सकते हो जहाँ पर बहुत ग्रीनरी है, नंगे पैर घास पर चलो सुबह सुबह, ज़्यादा नहीं तो 10 मिनट ही कर लो। अगर आप 10 मिनट भी अकेले रहना सीख गए, सिर्फ 10 मिनट इसकी आपने आदत डाल ली, तो होगा क्या, आपका जो स्ट्रेस है वो कहाँ चला जाएगा पता नहीं लगेगा। और जो इंसान अकेले खुश रहता है वो लोगों को भी खुश रखता है, याद रखना। सो अकेले खुश रहना सीखो। थर्ड पॉइंट, द थर्ड पॉइंट इज राइट लव लेटर्स। मैंने बोला लव लेटर्स लिखो, शायद बचपन में आपने किसी को कोई लव लेटर लिखा हो, बट यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ राइट लव लेटर्स टू द वन हु लव यू। जो लोग आपको प्यार करते हैं उन्हें लव लेटर्स लिखो। यहाँ पे मेरा मतलब ये नहीं है सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को लव लेटर्स लिखो। आपने कभी अपने हस्बैंड को लव लेटर दिया है सुबह सुबह? आपने कभी अपनी वाइफ को लव लेटर दिया है? आपने कभी अपनी मम्मी को लव लेटर दिया है? प्यार जिनसे करते हो और जो लोग आपको प्यार करते हैं उन्हें एक लेटर में लिख के एक्सप्रेस करो अपनी फीलिंग्स। कोई आपको लव लेटर दे आपको कैसा लगेगा, उस लेटर को आप संभाल के रखोगे। हमारे रिलेशनशिप्स के लिए ना बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं करनी होती हमें, बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स नहीं चाहिए होते लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, आपको बहुत खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं, बट आज की दुनिया में हम वो छोटी छोटी चीज़ें भूल गए हैं। आज मैं आपको बोल रहा हूँ, आज जिस इंसान को आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो और जो आपको प्यार करता है उनको लव लेटर लिखो। अपने पापा को भी लव लेटर लिखा है? सोचा ही नहीं। राइट द लव लेटर्स ना, लेटर ऑफ योर फीलिंग्स, जिसमें आप अपनी फीलिंग शेयर करो, हाउ यू फील,
ये रिलेशनशिप्स कैसे हो जाएंगे आप सोच नहीं सकते। कुछ लोग ये लव लेटर रिसीव करने के बाद रोने लग जाएंगे, उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया आपसे। आपने कभी अपने भाई को लव लेटर लिखा, बहन को लिखा? हाउ यू फील अबाउट देम, हाउ मच यू केयर अबाउट देम? नेवर, सोचा ही नहीं। द टाइम इज नाउ टू रिस्टोर दैट बैलेंस, द टाइम इज नाउ, दिस इज द टाइम। कब नहीं, कब करोगे? अभी, आज से, इस वीडियो के बाद। ऑलराइट, फोर्थ पॉइंट, डू समथिंग फॉर अदर्स अनकंडीशनली। लोगों के लिए कुछ ऐसा करो कि एक्सपेक्ट मत करो, कोई कंडीशन ना हो, कर दो। अच्छा कर सकते हो, भला कर सकते हो, कहीं हेल्प कर सकते हो, किसी भी तरीके से। वो कहते हैं ना, तन मन धन, किसी भी तरीके से आप हेल्प कर सकते हो, कर दो, एक्सपेक्ट मत करो। आपकी जिंदगी एक ब्लेस बन जाएगी, योर लाइफ विल बिकम अ ब्लेस। जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। सी, व्हेन आई मेक दिस वीडियोस फॉर यू, आई वॉन्ट योर लाइफ टू चेंज। आपकी जिंदगी बदल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप बेहतर बन जाओ, दिस इज माई मोटिवेशन। ये मेरा मोटिवेशन है कि मैं आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करूं। ये चीजें बता रहा हूं, इन्हें अप्लाई जरूर करो, मजा तभी आएगा। सिर्फ सुनने के लिए नहीं, सिर्फ मजे मजे में मत सुनो, अप्लाई, इंप्लीमेंट करो एंड फील द डिफरेंस। ऑल राइट, तो ये अप्लाई कीजिए आप, यू विल सी द डिफरेंस इन योर लाइफ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए कि आप ऐसी एक भी वीडियो मिस ना करें। अगर आप मेरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहते हैं अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, तो आप मेरा एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, तो आप मेरा बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और भी हमारे जो कोर्सेज हैं, उनकी डिटेल्स आपको कैसे मिलेंगी, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी उन कोर्सेज की, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं। इन कोर्सेज को अभी ज्वाइन करने के लिए, जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इस पर फोन करो, और मेरा एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स आप ज्वाइन कीजिए। आगे बढ़िए, पीछे नहीं रहना, रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। आपको हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, हैप्पीनेस भी चाहिए। यू वॉन्ट अ कंबाइंड बैलेंस्ड लाइफ। सो यू गो हैड, यू गो सेल्फ मेड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आपको क्या करना है, अप्लाई एवरीथिंग, शेयर दिस वीडियो विद एवरीबडी हर व्हाट्सएप ग्रुप में, एंड गो सेल्फ मेड। We'll be right back.